खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गली गेंद बल्ला, क्रिकेट दीवानगी हुजूम, शोर भारत और सचिन सचिन। जी हाँ, ये एक नाम नहीं बल्कि वो भावना है जो हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की रगों में दौड़ती। सचिन चुप तो पूरा देश खामोश, और सचिन गरजे तो मानो हिंदुस्तान की हर गली में दिवाली हो। साल 1989 से 2013 तक क्रिकेट पर एक छत्र राज करने वाले भारतीय क्रिकेट के इस 5 फुट 4 इंच के घुंघरालू बाल वाले लड़के ने मानो क्रिकेट के पूरे इतिहास को अपने नाम से ही पिरो दिया। आज भारतीय क्रिकेट के इसी लाल का 46वां जन्मदिन है। आइए इस खास मौके पर हम आपको बताते हैं सचिन की जिंदगी से जुड़ी वो 8 बातें जिन्हें जानने के बाद आपको लगेगा कि बड़ी ही मेहनत और लगन से सजोया गया ख्वाब है सचिन। सचिन के पिता चाहते थे कि वो क्रिकेटर से बेहतर इंसान बने। सचिन ने खुद बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि तुमने क्रिकेट को चुना है, लेकिन आखिर में तुम्हारे साथ जो बात रहेगी वो ये कि तुम इंसान कैसे हो। सचिन बचपन में अपने बड़े भाई नितिन तेंदुलकर से डरते थे। अक्सर सचिन अपनी माँ की आवाज को अनसुना कर देते थे, लेकिन जैसे ही बड़े भाई उन्हें पुकारते तो वो दौड़े चले आते थे। अपने बल्ले के दम पर 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर को पहला बैट उनकी बहन ने दिया। सचिन की दीदी कश्मीर ट्रिप से वापस आई और उन्होंने सचिन को उनका पहला बैट गिफ्ट किया। जब पहली बार भाई अजीत सचिन को आचरेकर सर के पास लेकर गए तो सचिन अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन जैसे ही आचरेकर सर वहां से दूर गए तो सचिन ने ऐसा जादू दिखाया कि फिर आचरेकर सर भी हैरान रह गए। अपने बैकफुट डिफेंस का लोहा दुनिया भर में मनवाने वाले सचिन को इसकी पहली तैयारी उनकी चाची ने घर पर करवाई। अक्सर सचिन की चाची मंगला घर पर बॉल कराती थी और सचिन अपने बैकफुट शॉट्स में सुधार करते थे। विश्व कप 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले रात 2 बजे अंजलि ने टीम होटल में आकर सचिन को उनके पिता के निधन की जानकारी दी, जिसके बाद सचिन सीधे मुंबई लौट गए। लेकिन पिता के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वो वापस लंदन में टीम के साथ आकर जुड़ गए। भारतीय टीम 1990 में इंग्लैंड टूर से वापस आ रही थी, तब अंजलि ने सचिन को पहली बार देखा और वो उन्हें बेहद ही क्यूट लगे, तभी से वो उन्हें बहुत पसंद करने लगे। इसके बाद दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने साल 1995 में शादी कर ली। सचिन के बेटे अर्जुन को क्रिकेट की पिच पर उतरते ही सुर्खियां मिलने लगी, लेकिन सचिन नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से आकर उनकी तारीफ करे। एक बार सचिन के घर एक खेल पत्रकार आए जिन्होंने अर्जुन की तारीफ करने के बारे में सोचा, लेकिन सचिन ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उनके 46वें जन्मदिन पर वाह क्रिकेट टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई, और आप सभी लोग क्रिकेट की बाकी खबरों के लिए पढ़ते रहिए वाह क्रिकेट.com।